नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टू रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फ्रैक्शन में कि हम कैसे फ्रैक्शन को ऐड करते हैं और कैसे क्या कहते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, हमारे पास कंडीशन है, हमारे पास जैसे फॉर एग्जाम्पल 3/4 को ऐड कर रहे हैं हम क्या कहते हैं माइनस का 2/3 से। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर सिंप्लीफिकेशन इन रेशनल नंबर्स। तो हम देखते हैं कि अगर हम नंबर्स को यानी कि रेशनल नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक 3/4 को माइनस 2/3 से ऐड करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 3/4 को यानी कि दो नंबर एक साथ नहीं आ सकते ना, तो यानी कि प्लस माइनस। अब प्लस माइनस जो हमेशा क्या होता है वो हमेशा माइनस होता है, और माइनस माइनस जो होता है वो क्या होता है प्लस होता है, और प्लस प्लस को हमेशा हम प्लस में ही रोल लेते हैं और माइनस प्लस को माइनस को। ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट मेथड है। तो हम देखते हैं 3/4 प्लस प्लस माइनस माइनस 2/3। अब यहाँ पे देखते हैं डेनोमीटर सेम नहीं है, जब अगर डेनोमीटर सेम नहीं होता तो हम क्या करते हैं दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम के लिए यहाँ पे हम 4 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो 4 और 3 का एलसीएम लेने का मतलब है यहाँ पे जो मेथड आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो 12 आने का मतलब है यहाँ पे हम दोनों का 12 एलसीएम हो गया। तो हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 3 4 जा, यानी कि जितना हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही डेनोमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास हो गया 3 3 9 माइनस 2 4 8। अब 9 में से क्या हो गया 8 माइनस हो गया क्या हो गया 1/12। ये हमारे लिए क्या एडिंग में है। सेम कंडीशन है, हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट के लिए भी सेम मेथड है। सब्ट्रैक्ट के लिए क्या है हमारे पास, अगर मान लो कोई नंबर हमें दे रखा है कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम माइनस 2/3, यानी कि 1 को हमें माइनस 2/3 में से क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि यानी कि 1 में से माइनस करना है, यानी माइनस 2/3 में से माइनस करना है 1 को। तो माइनस 2/3 माइनस 1। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 क्या है सिंपल नंबर है और 2/3 क्या है रेशनलाइज है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हमें सेम करना पड़ेगा वही एलसीएम लेके। तो यहाँ पे हम वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं, 1 2 जा 2 3 बन जा 3 और 3 बन जा 3। तो ये हो गया हमारे पास माइनस। अब हमेशा ध्यान रखना माइनस माइनस ऐड होते हैं और प्लस प्लस भी ऐड होते हैं, और प्लस माइनस हमेशा क्या होते हैं सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस 2 माइनस 3 इजिकल टू माइनस का 5/3। ये था हमारा सब्ट्रैक्शन मेथड, दैट्स ऑल।